हेलो दोस्तों, एमआरएसी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अफजल आलम। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग रेफ्रिजरेंट के बारे में जानने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर हम लिखे हुए हैं रेफ्रिजरेंट, ये रेफ्रिजरेंट जो है एयर कंडीशन सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेफ्रिजरेंट के बारे में आपसे कभी भी कोई भी क्लाइंट क्वेश्चन आपसे कर सकता है। अगर आप बाहर के लिए, कहीं के लिए, आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, रेफ्रिजरेंट के बारे में पूछा जा सकता है। या खुद भी काम कर रहे हैं तो किस तरह का रेफ्रिजरेंट यूज करना चाहिए, रेफ्रिजरेंट का क्या काम है, तो इसके बारे में आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जानिए कि व्हाट इज रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट क्या है। तो रेफ्रिजरेंट वह माध्यम है जो वेपर से लिक्विड और लिक्विड से वेपर में आसानी से तब्दील हो जाता है, वो रेफ्रिजरेंट कहलाता है। हम आपको जो भी बताते हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में करके बताते हैं, जिससे आप लोगों को इजी समझ में आ जाए, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन जो रेफ्रिजरेंट ऐसे तो बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारा खाने बनाने के लिए भी यूज होता है ना रेफ्रिजरेंट, एलपीजी सिलेंडर, तो वो रेफ्रिजरेंट हम लोग एयर कंडीशन सिस्टम में यूज नहीं कर सकते हैं। तो क्यों नहीं यूज कर सकते, वो भी हम आपको आगे इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एयर कंडीशन सिस्टम में रेफ्रिजरेंट का क्या काम है। सिस्टम में रेफ्रिजरेंट आर हीट कैरिंग मीडियम इन ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम। लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कहीं पे बुक नोट बनाने के लिए। रेफ्रिजरेंट आर हीट कैरिंग मीडियम इन ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम। हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो है हीट कट होने का काम करता है रेफ्रिजरेंट। जो आपको मेन आपको मालूम होगा कि रेफ्रिजरेशन साइकिल में हमारा चार मुख्य पार्ट होते हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व एंड इवेपोरेटर। तो इवेपोरेटर में क्या होता है, हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, जिससे हमारा कूलिंग प्राप्त होता है। तो उसमें हमारा कूलिंग प्राप्त करने के लिए रेफ्रिजरेंट हमारा काम करता है, रेफ्रिजरेंट का मेन काम होता है। तो रेफ्रिजरेंट वहां पे हीट को एब्जॉर्ब करता है, आसपास रखी वस्तु से हीट को एब्जॉर्ब करके वो खुद को बॉइल कर लेता है, जो फिर आगे सक्शन लाइन से होते हुए कंप्रेसर में जाता है, कंप्रेसर के बाद डिस्चार्ज लाइन से होते हुए हमारा कंडेंसर में आता है। तो कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट क्या होता है, वहां पे रेफ्रिजरेंट को कंडेंस कराया जाता है, मतलब कि रेफ्रिजरेंट जो वेपर आ रहा है वेपर से उसको लिक्विड में तब्दील किया जाता है, जो हमारा इवेपोरेटर में आकर के वापस वेपर बनता है, और कंडेंसर में आकर के अपना कंडेंसिंग मीडियम एयर या वाटर। अगर वाटर कूल्ड चिलर है तो वाटर के जरिए कंडेंस होगा रेफ्रिजरेंट, अगर एयर कूल्ड चिलर है तो हमारा एयर के जरिए रेफ्रिजरेंट जो है कंडेंस होगा, जो लिक्विड में बदल करके एक्सपेंशन वाल्व में आता है, फिर वापस इवेपोरेटर में आता है। तो ये साइकिल हमारा कंटिन्यूअसली चलते रहता है और उससे हमारा जो है कूलिंग प्राप्त होता है। तो वो हो गया हमारा रेफ्रिजरेंट का काम। अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट को कितने भागों में बांटा गया है, तो रेफ्रिजरेंट को दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट और दूसरा सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। और बाकी अदरवाइज हम आपको बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट, कैसा प्रॉपर्टीज का होना चाहिए, और ग्रुप ऑफ रेफ्रिजरेंट और कलर कोड ऑफ रेफ्रिजरेंट। ये सब के बारे में एक ही जगह पर लिखना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम पहले आपको ये दो तीन चीज का डिफिनेशन कर देंगे, उसके बाद ये तीनों को वापस से एक एक करके अच्छा से एग्जांपल दे करके उसके बाद हम आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे, समझ गए। ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे बुक अवेलेबल हैं जो आपको सब चीज का डिफिनेशन मिल जाएंगे, दो दो तीन तीन पेज का डिफिनेशन मिल जाएंगे, लेकिन उससे हमको फायदा नहीं है। मेन होता है समझना, किसी भी चीज को आप समझ के काम करेंगे तो आपको इंटरव्यू निकालने में भी आसानी होगा, और सेकंड आप खुद से भी काम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो हम ये जानेंगे कि प्राइमरी रेफ्रिजरेंट का क्या काम है और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का क्या काम है। तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट आर द रेफ्रिजरेंट दैट टेक पार्ट डायरेक्टली इन द रेफ्रिजरेशन सिस्टम आर अंडर गोज ए साइकिल टू प्रोड्यूस लोअर टेम्परेचर। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट जो है हमारा सिस्टम के अंदर डायरेक्ट कंट्रीब्यूट होता है, जो हमारा कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, इवेपोरेटर जो है ना, इसके अंदर डायरेक्ट रेफ्रिजरेंट को इंक्लूड कराया जाता है और उससे हमारा टेम्परेचर लो प्राप्त होता है। जैसे कि जो रेफ्रिजरेंट हमारा प्राइमरी रेफ्रिजरेंट वो आएगा, जैसे R22, R134, R410 etc, जो रेफ्रिजरेंट को डायरेक्ट मतलब सिस्टम के अंदर इंक्लूड कराया जाता है वो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट में हमारा आ जाएगा, उससे हमारा कूलिंग प्राप्त होता है। तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट हम दोस्त देख लेते हैं, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट आर द रेफ्रिजरेंट विच आर फर्स्ट कूल्ड बाय प्राइमरी रेफ्रिजरेंट एंड देन यूज फॉर कूलिंग पर्पस। मतलब ये क्या कह रहा है, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट वह रेफ्रिजरेंट कहलाएगा, फर्स्ट जो है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के जरिए जो कूल प्राप्त होगा, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कूल होता है उसके जरिए, तो वो हमारा सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख लेंगे चिल्ड वाटर इन सेंट्रल एसी, सेंट्रल एसी में चिल्ड वाटर जो यूज होता है, फिर ब्राइन ईटीसी, बहुत सारे हैं रेफ्रिजरेंट में भी, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट भी बहुत सारे हैं, यहाँ दो तीन एग्जाम्पल के लिए और इसका भी बहुत सारे आते हैं। तो चिल्ड वाटर में क्या होता है कि हमारा जो चिलर होता है तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से वो ठंडा होता है, फर्स्ट जो मान लीजिए R134 रेफ्रिजरेंट अगर सिस्टम के अंदर डाला हुआ है तो उसके जरिए हमारा जो चिल्ड वाटर है वो कूल होता है, कूल होने के बाद वो फिर वापस जाता है हमारा एचयू में, एफसीयू में, जहां से हमको कूलिंग प्राप्त होता है, वहां पे ब्लोअर जो भी लगे हुए रहते हैं बेल्ट वगैरह।
तो ये जो हमारा चिल्ड वाटर हो गया, ये हमारा सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट हो गया, और R134A या R22 जो भी यूज हो रहा है वो हमारा प्राइमरी रेफ्रिजरेंट हो गया। तो ये आपको क्लियर हो गया कि प्राइमरी रेफ्रिजरेंट कौन है और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कौन है। अब हम लोग जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट के बारे में और ग्रुप ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड कलर कोड ऑफ रेफ्रिजरेंट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट यहाँ पर लिख दिए हैं, फिर ग्रुप ऑफ रेफ्रिजरेंट में तीन भाग बांटा गया है अपना, ये सेफ रेफ्रिजरेंट, फिर थोड़ा टॉक्सिक जहरीला थोड़ा सा है, और ज्वलनशील जो है फ्लेमेबल। ग्रुप तीन भागों में बांटा गया है रेफ्रिजरेंट को, तो वो तीनों भाग का और भी होते हैं बहुत सारे रेफ्रिजरेंट, तो थोड़ा एग्जांपल में इतना सारा आप लोगों को लिख दिए समझने के लिए। और ये कलर कोड ऑफ रेफ्रिजरेंट, कुछ कलर कोड के बारे में आपको यहाँ पे लिख दिए, तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए और आप लोग नोट बना सकते हैं। तो अभी हम लोग जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट। लो बॉइलिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होना चाहिए, जितना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना हमारा सिस्टम के लिए अच्छा है। जैसे कि मतलब कि लो टेम्परेचर में भी बॉयल हो जाना चाहिए, क्योंकि एवोपरेटर में हमारा टेम्परेचर जो है रूम में बहुत कम होता है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर देखा जाए तो R22 का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, -41.4 डिग्री फारेनहाइट में है, मतलब कि माइनस में वो रेफ्रिजरेंट हमारा बॉयल हो जाता है, वो भी -40 में। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना अच्छा उसका इफिशियंसी है। उसी तरह से सब रेफ्रिजरेंट का अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है और एक फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है, तो जितना कम बॉइलिंग पॉइंट रहेगा उतना अच्छा है। दूसरा हाई लेटेंट हीट ऑफ वैल्यू, मतलब कि लेटेंट हीट ऑफ वैल्यू भी उसका ज्यादा होना चाहिए। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये सब बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा अगर एक एक चीज का एक्सप्लेन करेंगे, तो सीधा समझिए कि लेटेंट हीट ऑफ वैल्यू मतलब वो बोल रहा है कि जैसे कि अगर थोड़ा रेफ्रिजरेंट है, थोड़ा रेफ्रिजरेंट में जो ज्यादा से ज्यादा हीट को रिमूव कर सकता है, हीट को गेन कर सकता है, तो वैसा रेफ्रिजरेंट हमको इसमें यूज करना है। अब सब रेफ्रिजरेंट का कैपेसिटी अलग रहेगा, कोई रेफ्रिजरेंट 1 kg में मान लीजिए 500 BTU हीट रिमूव कर रहा है, तो कोई 1 kg में मान लीजिए, ऐसा नहीं कि 1 kg में 500 BTU हीट रिमूव करेगा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 1 kg में कोई 500 BTU हीट रिमूव कर रहा है, तो कोई 1 kg में 1000 BTU हीट को रिमूव कर रहा है। तो इस तरह से मतलब जिसका ज्यादा रहेगा लेटेंट हीट ऑफ वैल्यू, उस तरह का रेफ्रिजरेंट को हम लोग को यूज करना चाहिए। इजी टू लिक्विफाई मतलब कि आसानी से लिक्विड में वो तब्दील हो जाना चाहिए, नॉन एक्सप्लोसिव मतलब वो विस्फोटक नहीं होना चाहिए, अब ये नॉन टॉक्सिक मतलब जहरीला भी नहीं होना चाहिए, इन्वायरमेंटली सेफ मतलब कि वातावरण के लिए भी सेफ होना चाहिए, वो भी नुकसान जैसे कि R22 जो है ये अपना ओजोन में एक ये कर रहा था, रिएक्ट कर रहा था, जिसके जरिए प्रॉब्लम हो रहा था इन्वायरमेंट के लिए, तो उसको भी बंद करने का मतलब ग्लोबली ऑर्डर है। नॉन रिएक्टिव ऑन कंप्रेसर कंपोनेंट मतलब कि कंप्रेसर के किसी भी कंपोनेंट के साथ जो है रिएक्ट नहीं होना चाहिए, अगर उसके साथ रिएक्ट होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे कि अमोनिया रेफ्रिजरेंट है ना, देखिए यहाँ पे होगा, और ये लिटिल टॉक्सिक में है, थोड़ा सा इसको जहरीला में रखा गया है, R717, ये अमोनिया रेफ्रिजरेंट का ये रासायनिक ये नंबर है। तो इसमें क्या होता है, ये कॉपर के साथ इसका रिएक्शन है, ये कॉपर को थोड़ा थोड़ा ये खाता है, जिसके जरिए बाद में प्रॉब्लम हो जाता है, तो उस तरह का नहीं होना चाहिए। नॉन फ्लामेबल जो है मतलब कि ये ज्वलनशील नहीं होना चाहिए किसी तरह से। अभी जैसे LPG सिलेंडर है, LPG गैस है, तो वो ज्वलनशील है, उसको हम लोग यूज करते खाना बनाने में, तो उसको हम लोग यहाँ यूज नहीं कर सकते हैं, ये हो गया। दूसरा यहाँ ग्रुप ऑफ रेफ्रिजरेंट में देख रहे हैं कि सेफ रेफ्रिजरेंट में हमारा ये सब जो हम लोग नॉर्मली एसी में यूज करते हैं, तो ये हमारा रेफ्रिजरेंट हो गया, और ग्रुप टू में जो है ये थोड़ा सा जहरीला है ये रेफ्रिजरेंट, और ग्रुप थ्री में फ्लेमेबल मतलब ये ज्वलनशील है ये रेफ्रिजरेंट, तो ये भी कुछ रेफ्रिजरेंट है। और कलर कोड ऑफ रेफ्रिजरेंट में हम लोग देख लेंगे, तो R407C इसका कलर कोड जो है ब्राउन है, मतलब सिलेंडर का कलर कोड, उसको सिलेंडर का कलर कोड देख करके हम रेफ्रिजरेंट को जान सकते हैं कि इस कौन सा रेफ्रिजरेंट इसके अंदर रहेगा। कलर कोड R22 का ग्रीन आएगा, R404A का ऑरेंज, इस तरह से सबका एक कलर कोड होता है रेफ्रिजरेंट का। आज का वीडियो यही था, यहीं तक आप लोगों के लिए मैंने लेकर के आया, इसके बारे में भी किसी ने रेफ्रिजरेंट के बारे में हमसे पूछा था, इसके बारे में बताइए, तो हमने इसके लिए बनाया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किसी भी तरह के कोई डाउट है, अगर कोई चीज समझ में नहीं आया या किसी दूसरे टॉपिक पर चाहते हैं तो कमेंट में मैसेज करें, उम्मीद है इंशाल्लाह उस पर भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर आप अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक में किसी दूसरे वीडियो के साथ।